मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से सत्र के पहले दिन शिष्टाचार भेंट की। उत्तरकाशी की मोरी पुलिस ने सांकली क्षेत्र से एक संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है, जिसे सोमवार को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है। मोरी थानाध्यक्ष मोहन खटत ने बताया कि रविवार को मुखबिर की सूचना पर सांकली बाजार से एक संदिग्ध विदेशी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से मिले आईडी से पता चला कि व्यक्ति का नाम मोहम्मद तारीफ है और वो बांग्लादेश के ढाका का रहने वाला है। आरोपी की भाषा की वजह से आरोपी से पूछताछ करना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद उत्तरकाशी मुख्यालय से स्पेशल ब्रांच और LIU की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी से उसी की भाषा में पूछताछ की गई। आरोपी बिना वीजा और पासपोर्ट के कई दिनों से यहां रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम और 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। टिहरी जिले के केंद्र बिंदु चंबा में चंबा नई टिहरी टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन किया गया। चंबा में आज टैक्सी चालकों का चक्का जाम रहा, टैक्सी स्टैंड में सुबह से ही खड़ी रही। टैक्सी चालकों ने कहा कि सरकार ने फिटनेस को लेकर जो निर्णय लिया है उसे वापस कर पूर्व की भांति किया जाए, सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो आंदोलन करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाएगा। की मांग है कि ये जितने भी ये छोटे वाहन हैं इनके लिए आपने जो है इलेक्ट्रिकल फिटनेस का जो है सुझाव दिया है, सबसे पहले इसके लिए जो है प्रत्येक जिले में एक एक सेंटर होना चाहिए, तभी गाड़ी वाला जो है वहाँ फिटनेस करा सकता है, नहीं तो अन्यथा गाड़ी जो है 200-300 किलोमीटर दूर जाके फिटनेस नहीं करा सकता, उसका तेल का खर्चा कौन देगा। हमारी गाड़ियों का आज जो है चंबा नई टिहरी घनसाली चिनाली सॉल्ट लम सारी गाड़ियाँ जो है चक्का बिल्कुल जाम है, टैक्सी मैक्सी सारी खड़ी हैं। सरकार को यदि हमारे प्रति उचित निर्णय नहीं लिया तो हम इसके लिए आगे उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, चाहे इसमें कुछ भी करना पड़े। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा मसूरी से किंग क्रेग तक स्वरोजगार करने वाले ग्रामीणों को सेलिंग और ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी करने के बाद स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। आज सभी दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी दुकानों को बंद रखा, साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। लोगों का आरोप था कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध निर्माण के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों के द्वारा अपनी भूमि पर स्वरोजगार करने के लिए पिछले 30 से 35 वर्षों से छोटी छोटी दुकानें खोलकर अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के द्वारा ऊंचे रसूख वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन गरीब लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम वही बात कहना चाह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अगर गांव वाला दुकान खोल के किनारे पे बैठा हुआ है, उसका MDDA के द्वारा जो है उसका जो है ना ध्वस्तीकरण का आदेश आ जाता है, और जो दिल्ली से आया है मसूरी उसने रेजिडेंशियल नक्शा पास करवाया है और वो होटल की एक्टिविटी उसमें कर रहा है, होटल चल रहे हैं, करीब 250 से 300 लगभग होटल हैं उसमें जो आज भी चल रहे हैं, हम फिर इनको नहीं छोड़ने वाले किसी भी कीमत पर। ये जो जब आप मसूरी पहुंचते हो कुठाल गेट से लेके मसूरी तक, तो 20 किलोमीटर का एरिया हमारी ग्राम सभा का आता है, जिसमें हम अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, लेकिन ये उसको भी नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद हम जो है ना रोजगार करने कहाँ जाएंगे, देहरादून में जाएंगे या ऊपर जाएंगे मसूरी में, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है गाँव वालों के पास। लड़ाई जारी रहेगी। हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें MDDA द्वारा अतिक्रमण के नोटिस दिए जा रहे हैं। हम लोग 70-80 से उससे पहले से हमारे दादा परदादा भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी छपरे यहाँ हुआ करती थी, आज हमने रोजगार के लिए अपने छोटे छोटे दुकानें डाली हैं तो हमें नोटिस दिए जा रहे हैं, इसी कारण पूरा गांव हमारे यहाँ खड़े हैं। और कितनी दुकानें हैं जिनको नोटिस दिए गए? ये लगा लो आपकी किंग रेक से नीचे और ये मैगी पॉइंट तक मैक्सिमम दुकानों को नोटिस दिए जा चुके हैं। हमारा कल के लिए ध्वस्तीकरण के आदेश हैं, किसी के आज के लिए हैं, किसी को 23 के थे, तो ऐसे करके इसलिए आज इसके विरोध में हम खड़े हैं, क्योंकि आज MDDA द्वारा ध्वस्तीकरण का वो करा था और पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ बुलाया गया था, तो इसीलिए हम उसको पूर्ण विरोध के लिए यहाँ खड़े हैं। तो किसकी तरफ से आपको नोटिस दिया गया है? MDDA द्वारा। जमीन जो है अपनी जमीनों पे है? अपनी जमीनों पे है हमारी। कब से है आपकी दुकानें? हमारी दुकानें तो हमारे दादा परदादाओं के टाइम से हैं, उस समय छप्पर हुआ करते थे और वैसे लीगल तरीके से देखा जाए तो हम 70-80 से पहले से बैठे। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो युवा खड़ा है, विरोध करेगा पूर्ण तरीके से, पहले शांतिपूर्वक करेगा, अगर उसके बाद वैसी बात नहीं बनी है तो जो जैसा हो सकता है वैसे करेंगे। MDDA जो है उसके बाद नोटिस दिए जाते हैं, तो वही तो दुर्भाग्य है, पहले आदमी को बताया जाए, रास्ता दिखाया जाए, गांव वालों की जैसे अभी कहा कि भाई यहां पर बंदोबस्त की समस्या है और चीज़ों की समस्या है, वो चीज़ निवारण हो तो आदमी कुछ करे। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के सांकरी गांव में इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है।
वहीं ग्रामीण जगदीश रमोला और वीरेंद्रपाल भंडारी ने बताया कि 50 सालों के बाद यहां पर पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, जिसमें ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। गांव में माहौल भक्तिमय बना हुआ है और हर तरफ भक्तों का तांता लगा हुआ है। धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका विशेष धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम के बीच हम लोगों के बीच पहुँचे हैं। और पंच पांडवों को नमन करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 50 वर्षों के बाद जो ये धार्मिक आयोजन हो रहा है, ये विगत 50 वर्षों बाद हो रहा है। और आप देखिए, तमाम लोग बाग जो घरों गाँवों से पहले माइग्रेट हो गए हैं, वो सारे लोग गाँव की तरफ आए हैं और हमारी सनातन संस्कृति की स्तंभ आधार हैं। क्योंकि कोई, मैंने भी आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी संस्कृति और जब अपनी सभ्यता का पतन होता है तो वो निश्चित तौर पर पतन की ओर जाती है। हमारी पहाड़ की जो महान धार्मिक संस्कृति है उसको जीवंत रखने के लिए ग्राम सांकरी के युवाओं द्वारा, पूरी जनता के द्वारा, सब मातृशक्ति के द्वारा जो सामूहिक प्रयासों से इसको जीवंत रखने का प्रयास किया गया, मैं पूरे ग्राम पंचायत की जनता को, सभी वासियों का को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और समय पर ऐसे कार्य, आने वाले समय पर ये परंपराएं जीवित रहे और ये कार्यक्रम होते रहे। एक बार मैं पुनः बहुत बहुत विगत 50 वर्षों से यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है। मैं पूरे समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आयोजन करके जो है पूरे जिले में जो है अपना नाम कमाया है। और मैं माननीय जो फोटोग्राफर हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मौके पर उन्होंने आकर के हमें श्रद्धांजलि किया है। चमोला है और ये पांडव नृत्य जहाँ जागर होते हैं वह हमारी वृत्ति है। और ये तीन प्रकार के हैं, एक तो है जो चूड़ा देने वाले पांडव, जो चूड़ा दिया उसके बाद नाचे, उसके बाद पटाक्षेप हो गया। और एक है पनवाणी वाले, जैसे जागर है, जागर का छोटा रूप है पनवाणी। और जागर में पूरी महाभारत की कथा है, उसमें ढाई तीन घंटा दिन में बोला जाता है। वैसे जिसके अनुसार, समय के अनुसार है वो, पर जागर हुए उसके बाद पांडव लीला होती है। अब जैसे यहाँ सांकरी ग्राम में, तो जब मेरी शादी हुई थी 1973 में, यहाँ पांडव लीला मेरे पिताजी ने की थी। तो अब उसके बाद ये 50 वर्ष में हो रहा शुरू है।